हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, नेवी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है और एसएससी को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है और आर्मी के फॉर्म फिलिंग को भी लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, जो कि मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे ज़्यादा दुख मुझे इनरोलमेंट वालों को लेकर है कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है और सीधा जो है सारा वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया था एक मीडिया कर्मी के द्वारा, तो एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे वहाँ पर, उन्होंने साफ कहा कि अब सारी भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत होगी और पिछले सारे वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया, ऐसा बोला गया था। तो देखो, अभी जो है डेट शीट जारी कर दिया गया है और एयरफोर्स का फॉर्म फिलिंग 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और नेवी ने बोला था कि हम विद इन 1 मंथ अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखो, कल से ही नेवी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। 21 तारीख से नेवी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसका सारा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी ही, और 1 नवंबर से INS चिल्का में इसका ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नेवी को लेकर अपडेट। और आर्मी को लेकर ये अपडेट है कि जैसा कि PIB इंडिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसके द्वारा अपडेट दिया गया है कि 20 तारीख से ही, मतलब कि आज से ही आर्मी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट बैच के लिए 25,000 वैकेंसी होगी, और जो उसका सेकंड बैच जो कि फरवरी में जाएगा, उसमें टोटल 40,000 वैकेंसी है आर्मी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब आते हैं SSC को लेके। जो भी लोग SSC को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एज खत्म हो गया था, जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि देखो, SSC का जो 15,247 पोस्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर है, मतलब कि इसका जो है 15,247 पोस्ट के लिए जितना भी पेंडिंग वैकेंसी है, जो कि अभी फाइनल अपना ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 42,000 वैकेंसी के बारे में, जो कि SSC का डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि SSC GD हो गया और उसके बाद CHSL हो गया, ये सब टोटल मिला के 42,000 के आसपास जो वैकेंसी है, जिसका भी सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है, वो सारा दिसंबर तक वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एक सबसे बड़ा अपडेट है कि 67,768 वैकेंसी जो है, ये दिसंबर तक इसका फर्दर नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खबर है। और अगर आप जो है अग्निपथ स्कीम के तहत नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, और मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं भी बता दूंगा कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है SSC को लेकर प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 67,768, तो आप लोग SSC की तरफ मूव कर सकते हैं। जो भी लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अपना डिसाइड कर लेना। तो यही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है SSC को लेकर कहीं ना कहीं जो है गुड न्यूज़ है, और मैं भी प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और SSC बहुत ज़्यादा डिले करती है, आपको यह पता है, लेकिन अब जहाँ पे सरकार को प्रेशर पड़ा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसको सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करे। तो यही मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपको देना था। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू एंड जय हिंद।